नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न 5 इसका हम छठा भाग करने जा रहे हैं। छठा भाग है रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सीकेंट ए प्लस टेन ए के। तो इसमें से बच्चों मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। रूट जैसे हम परिमेयकरण किया करते थे बच्चों वैसा ही कुछ हम यहां करेंगे। वन प्लस साइन ए जैसे हम हरों का परिमेयकरण करते थे ना, तो वन माइनस साइन ए, और यदि यहां माइनस का निशान है तो वन प्लस साइन ए, यानी इन दो रकमों के बीच में यहां माइनस है, अब प्लस लगा दो, उल्टा साइन लेकर ऊपर और नीचे गुना कर दो, जो भी हर में लिखा है उसका उल्टा साइन लेना है और सामने ऊपर नीचे गुना कर देना है इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों ये है रूट, नीचे इससे क्या होता है बच्चों देखिए, वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। और ऊपर क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यानी कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आइए इसे आगे हल करके देखते हैं। ये बन जाएगा रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, देखो बच्चों ये है वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, वन का स्क्वायर होता है वन, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है एक सरल समीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। यहां से साइन स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या हो गया माइनस, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के यानी कॉस ए के होल स्क्वायर के। तो बच्चों वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट में से वन प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसी प्रकार से कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कॉस ए। जैसे बच्चों आप करते हो ना दो गुना दो, तो इसमें से एक दो बाहर आ जाता है, यानी कि टू स्क्वायर के रूट में से टू बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर में से वन प्लस साइन ए एक बाहर आ गया, कॉस ए के होल स्क्वायर में से एक कॉस ए रूट से बाहर आ गया। अब ये बन गया वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस कॉस ए को वन के भी नीचे लिख दो और साइन ए के भी नीचे लिख दो, तो इससे हमारे पास बन गया वन अपॉन कॉस ए होता है बच्चों सीकेंट ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए, ठीक है बच्चों। तो देखिए सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। इसका अर्थ है ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, अतः सिद्ध हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध किया है। बच्चों बहुत से बच्चे यहां रूट देखकर तभी प्रश्न को छोड़ देते हैं कि साइन ए कॉस ए वैसे ही मुश्किल है और रूट वाला तो हमसे होगा ही नहीं, लेकिन देखिए ये कितना सरल था, हमने कुछ नहीं किया, वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए था, हर में वन माइनस साइन है, इन दोनों के बीच में माइनस की जगह प्लस लगाकर ऊपर और नीचे गुना कर दिया। ये नहीं देखा कि ऊपर क्या लिखा है, इसको नहीं देखा, नीचे देखा वन माइनस साइन है तो ऊपर भी वन प्लस साइन है और नीचे भी वन प्लस साइन है, तो आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वन प्लस साइन है इंटू वन प्लस साइन है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये वन प्लस साइन का होल स्क्वायर। इसको हमने रूट से बाहर निकाल कर और हल कर दिया है और हमारा प्रश्न यह हल हो गया है। आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि
आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों को समझ सकते हैं, उनके वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।